कुमार अपना लाइव न्यूज से। अभी हम लोग आए हुए हवाई पटना के हवाई अड्डा पे, जहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग कुछ बोलना चाहते हैं रविशंकर जी के बारे में। और यहाँ आज जो आए हैं, जिनका मकसद है रविशंकर जी का, हम रविशंकर भैया को बहुत बहुत बधाई देते हैं और पटना साहिब में प्रत्याशी के रूप में आए हैं। मैं भी पटना साहिब से हूँ, मैं महिला मोर्चा में मंडल अध्यक्ष भी हूँ, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भी हूँ। मैं चाहूँगी कि भैया एकदम बहुत अच्छे से जीत हुई हो, विजयी हो, नरेंद्र मोदी जी का मतलब सरकार बने 2019 में। हम बहुत बहुत उनको शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं रविशंकर भैया को। आपने देखा एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता है जो जिस तरह से बोला है, और आप देखिए फिर और किससे मिलते हैं, हम राजकुमारी सिंह बोलिए, राजकुमारी सिंह से मिलते हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आज एयरपोर्ट पे आके इतनी खुशी महसूस हो रही है। रविशंकर जी के साथ काम कर चुकी, मैं बहुत पुरानी हूँ, मैं 1982 से भाजपा का काम कर रही हूँ और इतनी खुशी है अभी को एक बार फिर देखना, क्योंकि हमारा जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारा अभी संकल्प अधूरा है, 5 साल का समय बहुत कम होता है, 5 साल से हमें दुगना चाहिए। इस बार अब कोई भी, मैं आज इस एयरपोर्ट से एक बात कहना चाहती हूँ, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, पर हम सबको ये देखना है कि हमारा एक भी वोट इधर उधर ना हो और हम कहीं ना बिखरे, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी बिखरेंगे तो हमारा मुट्ठी बनने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारी मुट्ठी को एक करने के लिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को आना है और हम लाने के लिए जी जान कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं बस रविशंकर जी को कि उन्होंने, वो एक बहुत अच्छे और सुलझे हुए नेता हैं और उनके आने से पटना साहिब की बहुत विकास होगा और हमारा हाथ मजबूत। और अभी अभी जो हंगामा हुआ मैम विरोधक को लेकर, उसके बारे में आपको क्या कहना है? और बहुत खुशी की बात है कि रविशंकर प्रसाद जी यहाँ प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं और जीत सुनिश्चित है और मोदी सरकार फिर से बनने वाली है। हम लोग को ये ध्यान रखना है कि प्रत्याशी कोई भी हो, हमको मोदी सरकार को जिताना है। मैं भी विद्यार्थी परिषद से काम कर रही हूँ, भाजपा के सारे लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें मोदी सरकार को जिताना है। रविशंकर प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई शुभकामनाएं और उसके बाद फिर अभी माला अर्पण के बारे में इनसे बात करेंगे। अभी हम लोग बहुत उत्साहपूर्वक, बहुत हर्ष पूर्वक यहाँ आए थे रविशंकर जी का स्वागत करने के लिए और हमने स्वागत किया, लेकिन संयोग बस कुछ मानसिक विपक्षी पार्टियों का कुछ होगा जो हमारे रंग में भंग डालने के लिए आए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी मानसिकता नजर आई कि वो कितने ओछे हरकत कर सकते हैं। जितने भी ओछे हरकत करने के बावजूद भी हमारी जो सोच है, हमारी जो लक्ष्य है, वो हम प्राप्त करके रहेंगे। होता क्या है कि जब हम किसी को कप्तान के रूप में चुनते हैं, फिर हम बैटिंग करें या बॉलिंग करें, हमें जीत से मतलब होनी चाहिए, हमें मैच जीतना है एकजुट होके, और तब हम लोग एक साथ काम करेंगे और फिर से भाजपा सरकार लाएंगे। जय भाजपा, जय आरएस। इस तरह से अभी हंगामा हुआ एयरपोर्ट पे, पटना का हवाई अड्डा पे इस तरह से भगदड़ मच गई थी और बहुत ही आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी लोगों में आक्रोश और बीजेपी के कार्यकर्ता में किस तरह से आक्रोश फैल गया और इस समस्या को बहुत भगदड़ के रूप से मचाया जा रहा था। मगर मोनिका सिन्हा जी अभी कुछ कहेंगी इस भगदड़ के बारे में। बोलिएगा, भगदड़ क्यों हुआ? रविशंकर प्रसाद जी को मैं शुभकामना तहे दिल से देना चाहती हूँ और वो हमारे निवासी पर आए और वो बहुत भारी बहुमत से घोषित है। जय भाजपा, जय भाजपा, हर बार मोदी, बार बार मोदी, 400 पार मोदी, 400 पार मोदी। और हम लोग यही चाहते हैं 42 वो 42 का मैंने हम लोग इंजाम दे दिया है, जो 42 को मारे हम लोग उनको 400 लोग को मारे। जय भाजपा, जय भाजपा, मोदी सरकार।